गुड आफ्टरनून एवरी वन आपका हमारे प्रयागराज इंस्टीट्यूट में स्वागत है।, है और आज मैं आपको राज्यों के बीच में तो चलो स्टार्ट करते हैं वित्त आयोग की स्थापना भारत में 22 नवंबर उन्नीस को की गई थी और जो वित्त आयोग होता है उसकी स्थापना कौन करता है कौन घटित करता है प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है या उससे पहले भी कर सकता है तो इसकी अब वित्त आयोग की गठन क्यों किया गया था वित्त आयोग वित्त आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि राज्य की जो और केंद्र की जो वित्तीय स्थिति थी उसकी जानकारी के लिए उन्हें कितना कलेक्शन करना है टैक्स का या कितना उनके वित्त के जो व्यवस्था है वो कैसे करनी है उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है और केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र स्तर पर संगठन का कार्य करता है और इसकी संरचनाएं एक अध्यक्ष होता है इसमें चार सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं पुनर्नियुक्तियों के पात्र होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है और इनकी योग्यता होनी चाहिए जैसे अध्यक्ष की अगर नियुक्ति कर रहे हैं तो अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए और सदस्य की नियुक्ति कर रहे हैं तो हाईकोर्ट का जज भारत के लेखा तथा वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए ऐसा व्यक्ति प्रशासन तथा वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो और नंबर फोर है अर्थशास्त्र का ज्ञान हो और फिर इसके जो कार्य आते हैं वित्त आयोग का क्या क्या कार्य है राज्यों में करों का वितरण सबसे पहला कार्य है करों का वितरण और ये क्वेश्चन 2021 का जो यूपीपीसीएस का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है तो यही है करों का वितरण दूसरा है अनुदान कि राज्यों को धन का कहाँ से व्यवस्था की जाए उसके लिए अनुदान के लिए रिकमेंडेशन कौन करता है केंद्रीय वित्त आयोग करता है कि राज्यों को और केंद्र के बीच धन का अनुपात किस अनुपात में बांटा जाए चौथा है तीसरा है, सॉरी राज्य वित्त आयोग के द्वारा कुछ अनुशंसाएं की जाती हैं जिन पर राज्य वित्त आयोग कार्य नहीं कर सकता है या उसे कुछ असमंजस होता है तो वो केंद्रीय वित्त आयोग को उसके संबंध में कर लगाने के लिए नीति बनाने के लिए अनुमोदन कर सकता है चौथा है राष्ट्रपति कुछ विशेष मामलों में कर लगाना या फिर आम धन का आवंटन करने के लिए वित्त आयोग की सलाह ले सकता है और उसे ऐसे कार्य भी सौंप सकता है वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है और इसकी जो सलाह होती है वो सलाहकारी होती हैं बाध्यकारी नहीं होती हैं फिर दूसरी बात आते हैं राज्य वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग मध्य प्रदेश में जो वित्त आयोग बना था वो तेतरवें संविधान संशोधन के उन्नीस का जो अधिनियम था उसके बाद बनाता और जो अनुच्छेद दो आई के तहत पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल राज्यपाल करेगा और दो वाई के तहत नगर पालिकाओं के लिए भी राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा जो राज्य में वित्त का संचालन करेंगे और मध्य प्रदेश में जो वित्त आयोग का गठन हुआ था वो चौदह जून उन्नीस को हुआ था जिसके प्रथम अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया थे और वर्तमान है हिम्मत सिंह कोठारी जो पांचवे नंबर के अध्यक्ष हैं उसी प्रकार केंद्रीय वित्त आयोग में जो पहला वित्त आयोग घटित हुआ था जो बारह बाईस नवंबर उन्नीस को हुआ था उसके पहले अध्यक्ष थे के सी नियोगी और वर्तमान में एन के सिंह है अब केंद्र राज्य वित्त संबंध समझेंगे केंद्रों में जो राज्य का संबंध है वो किस में है वित्त के संबंध में इसका वर्णन है संविधान के भाग 12 में दो अनुच्छेद से लेकर दो अनुच्छेद तक है तो दो में क्या बताया विधि के प्राधिकर के बिना ना तो कोई कर आरोपित किया जाएगा ना संग्रहित किया जाएगा मतलब विधि के अनुसार ही कोई कर आरोपित या संग्रहित किया जाएगा दो बोलता है राजस्व का वितरण मतलब राजस्व का वितरण किस प्रकार होगा या राज्य किस प्रकार टैक्स लगाएगी

अड़सठ की जो किस प्रकार इसमें पांच प्रकार से करों का वितरण किया गया है पहला केंद्र सरकार आरोपित करेगी कर और केंद्र सरकार ही संग्रहित करेगी और केंद्र सरकार ही कर का उपभोग करेगी उस प्रकार के कदम में आता है रेल डाक टेलीफोन संचार प्रसारण इत्यादि दूसरी चीज है संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संघ द्वारा एकत्रित किंतु राज्यों के साथ उपभोग में सामूहिक भागीदारी होगी जैसे कि कृषि के अतिरिक्त आय है और कुछ आबकारी शुल्क भी इसमें आते हैं तीसरी चीज है संघ द्वारा आरोपित तथा संघ द्वारा एकत्रित किंतु पूर्णतः राज्यों के द्वारा दिए जाने वाले कर या लिए जाने वाले कर जैसे उत्तराधिकारी तथा संपत्त शुल्क जहाज द्वारा लाए जाने वाले सामान तथा यात्रियों पर सीमावर्ती कर फिर चौथा है संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा एकत्रित तथा राज्यों द्वारा उपभोग में लिए जाने वाले कर जैसे कि स्टाम्प शुल्क दवाइयों एवं प्रसाधन सामग्री एवं आयकर शुल्क फिर पांचवा आता है राज्यों द्वारा आरोपित और राज्यों द्वारा एकत्रित तथा राज्यों द्वारा उपभोग में लिए जाने वाले कर जैसे कि भूमि कर नशीले पदार्थों पर कर दवाइयों पर क्रय विक्रय फिर आता है अनुच्छेद दो इसमें अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है कि जो अंतरराज्य व्यापार होता है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार हो रहा है तो उस पर टैक्स कलेक्शन कौन करेगा तो ये 2017 में जब जीएसटी आया था तो उसके बाद क्या हुआ था कि आईजीएसटी बना जिसमें केंद्र सरकार क्या है दो राज्यों में व्यापार होता है केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी और वही वसूल करेगी परंतु इन दोनों राज्यों में वो उसका वितरण कर देगी अब दो इसमें बताया गया यदि संसद यदि संसद अनुच्छेद दो सौ उनहत्तर दो सौ सत्तर के अधीन शुल्कों को उपकर लगाकर बढ़ा देती है तो वह पूरी आय भारत की संचित निधि में चली जाएगी मतलब जो भारत की संचित निधि दो सौ अनुच्छेद दो सौ छियासठ में बताया गया है कि भारत का एक संचित निधि होगी जिसमें सभी वित्त सभी प्रकार का धन उसमें संचित किया जाएगा जिससे धन निकालना है तो उसमें संसद का पहले अनुमोदन करना होगा संसद एक बात विधेयक पारित करेगी बिल पारित करेगी उसके बाद ही आप धन निकाल सकते हैं तो संचित निधि में ये सारा दिन चला जाएगा फिर दो में यह व्यवस्था की गई है कि अनुदान मतलब महत्वपूर्ण बात तो यही है कि राज्यों को और केंद्र सरकार में किस प्रकार धन का वितरण किया जाए तो वो अनुदान की व्यवस्था दो के क्लॉज वन में की गई है और वो केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर संसद उन दोनों में अनुदान का वितरण करती है अब वो मतलब राजस्व के वितरण की, की सिफारिशें की गई थी 2010-2015 में जो तेरहवा वित्त आयुक्त उसने बोला कि बत्तीस परसेंट उसे राजस्व का वितरण किया जाना चाहिए फिर दो हजार पंद्रह बीस में बना उसमें बोला कि बयालीस परसेंट राजस्व का वितरण किया जाना चाहिए फिर दो हजार पंद्रह से बीस जो आपका पंद्रहवा वित्त आयुक्त जो अभी चल रहा है उसने बोला कि जिसके अध्यक्ष एन के सिंह है कि इकतालीस परसेंट राजस्व का वितरण किया जाना चाहिए राज्यों में और राज वित्त ही आधुनिक प्रशासन का तंत्र का रक्त है रक्त का अर्थ है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त चलता है और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग काम करता है उसी प्रकार हमारे देश में वित्त भी उसी तरह का कार्य करता है और हमारे देश में वित्त की कमी हो जाए तो हमारा देश नहीं चल सकता जैसे कि हम अभी वर्तमान में श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि वित्त की कमी होने से वहाँ हाकार मचा हुआ है सारी वित्तीय व्यवस्थाएं उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वे भी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वित्त को संचालित करने के लिए राज्य में केंद्रीय वित्त आयोग सॉरी केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया और राज्यों में राज्य वित्त आयोग का धन्यवाद